तो जैसा कि मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, सिस्टर जुयान ने सेक मास्टर को सब कुछ सच बता दिया था कि हानफेई ने ब्रदर सुई को जान से मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद सेक मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वह हानफेई की तरफ देखने लगता है। इस पर हानफेई सेक मास्टर को बताने लगता है कि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है, बल्कि ब्रदर सुई को मारने वाला और कोई नहीं चेंग साओ है, क्योंकि चेंग साओ और ब्रदर सुई की पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चेंग साओ ने ही ब्रदर सुई और यांगलिंग को जान से मार दिया है। इस बात को लॉ डिपार्टमेंट हॉल की मिस हॉन्गिंग भी सुन रही होती है और वो इस चीज का करते हुए बोलती है, तुम लोग एक निर्दोष को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर हानफेई थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो मिस हॉन्गिंग का मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से मिस हॉन्गिंग उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हानफेई थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद मिस हॉन्गिंग मिस जी को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर मिस जी भी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को सुनने के बाद मिस हॉन्गिंग बोलती है, तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मिस जी को कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर ये कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर अपने टाइगर बीस्ट को भी समन कर लिया होता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट छिड़ी जाती है। लेकिन मिस हॉन्गिंग ने बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर को हरा दिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इन सभी एल्डर लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी यह एल्डर बोलता है, सेक्ट मास्टर, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है? और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और इस चीज़ में उसके साथी भी यहाँ पर उसका साथ दे रहे होते हैं और ये सभी लोग मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों की तरफ कर देते हैं। लेकिन सेक्ट मास्टर बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी मिस हॉन्गिंग आगे की ओर आते हुए इन लोगों को बोलती है, क्या तुम लोग यहाँ पर डिमन सॉर्ड सेक्ट का विद्रोह करना चाहते हो? इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर मिस हॉन्गिंग को यहाँ पर समझाने लगता है कि एल्डर वू ने यहाँ पर इसलिए ऐसा किया था क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने गलती से लॉ डिपार्टमेंट हॉल के रूल को तोड़ दिया है, इसलिए अब उसे मौत से कोई भी नहीं बचा सकता है। और साथ ही मैं यहाँ पर अपने जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी इस मामले में टांग नहीं अहराया। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद ये सभी एल्डर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वो लोग सेक्ट मास्टर को बोलने लगते हैं कि हम लोग आपकी बातों को यहाँ पर मानेंगे। इस बात को सुनने के बाद मिस हॉन्गिंग भी थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर हानफेई के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलती है, यह आदमी तो बहुत ही बड़ा कमीना है, क्योंकि उसने अपनी जान को बचाने के लिए एक निर्देश को फंसाने की कोशिश की थी। इसलिए मैं इस चीज को देखना चाहती हूँ कि सेक्ट मास्टर इस चीज का फैसला यहाँ पर कैसे करेगा। और साथ ही हानफेई को तुम कौन सी सजा देने वाले, मैं इस चीज को यहाँ पर रहकर देखने वाली हूँ। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हानफेई को बोलने लगता है, ब्रदर सुई को किसने मारा था? अगर तुम इस बात को साबित कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस बात को सुनने के बाद हानफेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि ब्रदर सुई को मारने वाला व्यक्ति और कोई नहीं चेंग साओ है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इन लोगों की दुश्मनी चल रही थी। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर चेंग साओ को बोलता है, क्या तुमने उसे मारा है? इस पर चेंग साओ बोलता है, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मैंने ब्रदर सुई को मारा है? क्योंकि सबसे पहले तो हानफेई ने मुझे ही दोष दिया था। इस बात को सुनने के बाद हानफेई बोलता है, सेक्ट मास्टर, आपको बस चेंग साओ को नीचे ले जाने की जरूरत है, उसकी वजह से आपको सबूत मिल जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर अचानक से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो चेंग साओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों एल्डर चेंग साओ के सामने आ जाते हैं और वो सेक्ट मास्टर का अटैक रोक लेते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से ये दोनों एल्डर थोड़ी दूर चले जाते हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इतनी जल्दी यहाँ पर हार मानने वाला नहीं है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, सच में इस आदमी के साथ में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी भी हैं। और वो ये बोलकर अपने साथियों को इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों एल्डर भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी मिस जी बोलती है, एक मिनट रुको, मुझे कुछ काम है। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, बेशक तुम अपने काम को कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद मिस जी कियांशु के पास चली जाती है और वो बोलती है, यह एक मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं इसे अपने लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता है कि कियांशु हम लोगों के लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल होना चाहती है या नहीं, और साथ ही मुझे ये भी पता नहीं है कि इस चीज के बारे में सिस्टर हॉन्गिंग क्या सोचती है। इस पर सिस्टर हॉन्गिंग आगे की ओर आते हुए बोलती है, मिस जी, आपने यहाँ पर अपनी बात को रखा है तो मैं आपके इस चीज में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगी? मैं तो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ, तुम्हारी साथी ने डांसिंग किंग के 7 लेवल को ब्रेक थ्रू
शुरू कर लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद मिस जी कियांशु को बोलने लगती है, क्या तुम हम लोगों के लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल होना चाहती हो? अगर तुमने हम लोगों के लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल होने का फैसला कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट हॉल खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही तुम्हारे दोस्तों को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को सुनने के बाद चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड कुछ देर तक अपने मन में सोचती है, लेकिन वो आखिर में मिस जी को हाँ बोल देती है, क्योंकि इसे यहाँ पर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए इसने यहाँ पर ऐसा किया था। और इस बात को सुनने के बाद मिस जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेक्ट मास्टर को बोलती है, अब तुम यहाँ पर अपनी कार्रवाई को कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की तो उसका सामना लॉ डिपार्टमेंट हॉल से हो जाएगा और उसे यहाँ पर बेशक पता है कि लॉ डिपार्टमेंट हॉल कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद चेंगसाओ सेक्ट मास्टर को बोलता है, आपने बोला था कि मैंने ब्रदर सुई को मारा है, तो आपके पास इसका क्या सबूत है? इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर एल्डर वू को बोलता है, तुम यहाँ पर अपने काम को कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद एल्डर वू अपने हाथों में एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और वो चेंगसाओ को बोलता है, क्या तुम एक टेस्ट को देने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस टेस्ट की वजह से सबको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि तुमने ब्रदर सुई को मारा है या नहीं। इस पर चेंगसाओ भी हाँ बोल देता है। इसके बाद एल्डर वू इस फॉर्मेशन को चेंगसाओ के सिर के ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से कुछ देर तक यह फॉर्मेशन चेंगसाओ की बॉडी को स्कैन करता है, जिसे देखकर हान फेई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस फॉर्मेशन की मदद से अगर चेंगसाओ ने किसी को मारा है तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अगर चेंगसाओ की बॉडी में कहीं पर भी होती तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ब्रदर सुई को इसने मारा है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर में तो ब्रदर सुई की एनर्जी का कोई भी नामो निशान नहीं है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या सच में चेंगसाओ ने ब्रदर सुई को नहीं मारा था? हान फेई ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी एल्डर वू सभी लोगों को बताता है, चेंगसाओ ने ब्रदर सुई को नहीं मारा है और ये बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, बेवजह हान फेई इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हान फेई की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी चेंगसाओ सेक्ट मास्टर को बोलता है, सेक्ट मास्टर आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है और बेवजह हान फेई मुझे यहाँ पर बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर बिल्कुल हॉनेस्ट तरीके से मेरे ऊपर जिस फॉर्मेशन से टेस्ट किया गया था उससे हान फेई को भी टेस्ट किया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि हान फेई ने ब्रदर सुई को मारा है या नहीं। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर चेंगसाओ को बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डिमन शॉर्ट सेक्ट वाले हमेशा लॉयल रहते हैं। और वो यह बोलने के बाद में एल्डर वू को बोलता है, आप हान फेई के ऊपर भी इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। इस पर एल्डर वू भी हाँ बोल देता है और वो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद हान फेई यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है और मैं भी इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद एल्डर वू इस फॉर्मेशन को हान फेई के ऊपर टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद हान फेई बोलता है, क्या तुम में से कोई भी अपने साथियों को मार सकता है? तो मैं अपने साथी को कैसे मार सकता हूँ? इस बात को दूर से चेंगसाओ भी सुन रहा होता है और वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हान फेई को पता नहीं होता है कि ब्रदर सुई को किसने मारा है, लेकिन उसका इल्जाम हान फेई के सिर में आ गया है, क्योंकि ये टेस्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो चेंगसाओ ने एक रेड कलर के पल से हान फेई के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इस चीज को देखने के बाद ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि हान फेई ने ब्रदर सुई को मारा है। और इस चीज के बारे में जब हान फेई को पता चलता है तब वो खुद ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार मैंने ये कब किया? और हान फेई के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।